Hello everyone, what's up? Hope you all are doing good. So today we'll talk about weight loss. क्या कॉफी वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. छोटा सा वीडियो बनाएंगे, सो बने रहिए मेरे साथ. एक्चुअली बहुत सी लोगों की एक शिकायत होती है कि उनकी वेट जो है, वजन वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ठीक है, स्पेशली लॉकडाउन की वजह से उनका मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है. दैट्स वाई वजन जो है वो बढ़ती जा रही है. सो द मेन पॉइंट इज, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको डाइट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट इज, आपको हल्की फुल्की, आई एम नॉट सेइंग कि आपको जिम जाना पड़ेगा या फिर बहुत यू नो हार्ड जिम करना पड़ेगा तभी जाकर आपकी वेट लॉस कर पाओगे आप लोग. ऐसा नहीं है, आप घर पर ही लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो. जैसे कि हो गया, आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, योगा कर लो. ठीक है, ये सारा कुछ करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, कोई भी सीजन हो, अगर आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है तो आप कॉफी पीना पसंद कर दो. मोस्ट ऑफ द पीपल को मैंने देखा है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा यू नो कॉफी लवर हूं आप कह सकते हो. लेकिन कॉफी को बनाने में भी तरीका होता है. आप टेस्ट के लिए खाली बना रहे हो तो यू आर एडिंग मिल्क, शुगर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उसमें ज्यादा कैलोरी ऐड कर रहे हो, तो वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी, ना कि वेट लॉस में. सो यस, वेट लॉस के लिए थोड़ी सी मदद करती है ब्लैक कॉफी, खाली ब्लैक कॉफी. उसमें आप कुछ भी एडिशनल कुछ मत डालो तो आपको यू नो थोड़ी सी हेल्प करती है, थोड़ी सी. एक्चुअली कॉफी में होता है कैफीन, जो हमारी वेट लॉस के लिए थोड़ी सी मदद करती है एंड इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ. तो कोई भी एज की यू नो आप हो, यू कैन इनटेक कॉफी, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में लेना है. और बिल्कुल भी चीनी और दूध आपको उसमें ऐड नहीं करना है. और हाई कैलोरी जो यू नो बिवरेजेस हम लोग लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लेते हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो कॉफी के साथ, ब्लैक कॉफी के साथ. ब्लैक कॉफी को लेते हुए आप धीरे धीरे वो यू नो जूस, फ्रूट जूस जो मार्केट्स में अवेलेबल होता है, बिल्कुल आप ना ही लो तो बेहतर है. एंड मिल्क चॉकलेट वगैरह, सोडाज वगैरह, ये सारा कुछ आप साइड करते जाओ और ब्लैक कॉफी को आप इनटेक करते जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉफी में होती है कैफीन. कैफीन आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. सो माय पर्सनल ओपिनियन इज, मैं रोज कॉफी लेती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कैसे लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट प्लेन कॉफी, पानी को गर्म कर लिया आपने और बस एक चम्मच कॉफी डालो, दैट्स इट. आपको कुछ भी मिक्स मत करना, तो वो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस के लिए, डेफिनेटली करता है. और दिन में एक से दो बार आप ले सकते हो. और कैफीन जो है, कैफीन हमारी यू नो भूख जो है, वो भूख लगने की जो एक लाइक एपेटाइट जो हम कहते हैं, उसको थोड़ी सी कंट्रोल करती है. तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप कुछ खाओगे नहीं, एक क्रेविंग हो जाती है ना, चलो इसको खाते हैं, ये खाते हैं, तो ये चीज आप कंट्रोल कर पाओगे. पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कॉफी रेगुलर ले रहे हो तो आपको नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कॉफी में जो चीज पाई जाती है वो एडिनोसाइन नामक एक जो केमिकल होती है हमारी ब्रेन में, जो हमें स्लीपी बनाती है, नींद को लाने में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल, उसको थोड़ा सा यू नो ब्लॉक कर देती है. तो नींद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप रोज कॉफी ले रहे हो, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. और घुमा फिरा कर आप अगर आप देखोगे, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी की वेट फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि नींद के साथ बॉडी वेट जो है वो यू नो बैलेंस है. तो एक गुड स्लीप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वही चीज़ है कि अगर आप ठीक ठाक नहीं सो रहे हो, आपको यू नो नींद नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो रही आपकी नींद, तो आपको फिर से मोटापा होने का चांसेस होता है. क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी तो आपको एक फूड की क्रेविंग्स हो जाती है, कि छोटे छोटे स्नैक्स या तो कुछ ना कुछ खाने का एक क्रेविंग बन जाता है, तो उससे आपको फैटीनेस आ सकती है. तो मैं आपको दूसरा वाला एक तरीका बताना चाहूंगी, अगर आप कॉफी ऐसे नहीं पीना चाहते हो, थोड़ी सी ट्विस्ट करके पीना चाहते हो, क्योंकि आप उसमें चीनी नहीं डाल रहे हो, मिल्क नहीं डाल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्लैक कॉफी में थोड़ी सी सिनेमन पाउडर ऐड कर सकते हो. उससे आपकी जो टेस्ट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. सिनेमन यानी कि दालचीनी का जो पाउडर होता है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में, तो वो आप थोड़ा सा वन पिंच डाल सकते हो. और अगर आपको आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको दूध वाली कॉफी ही पीना है, तो उनके लिए बता रही हूँ कि आप
आमंड मिल्क या तो कोकोनट मिल्क, अनस्वीटेंड आमंड मिल्क और नेचुरल कोकोनट मिल्क थोड़ा सा मिलाकर पोषण में आप पी सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बस दिया है जो मैं यू नो फॉलो करती हूँ, दैट्स इट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीते रहो कॉफी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।